एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और अब 1 बज रहा है तो आप सबको पता ही है कि इस टाइम पे मैं जाती हूँ किचन में। तो चलिए फटाफट से किचन में चलते हैं और आज मैं गर्मियों के मौसम में क्या ऐसा बनाने वाली हूँ जो कि सिर्फ 2 मिनट में बनने वाला है। अच्छा, मैंने ये दरवाजा बंद कर दिया है क्योंकि एसी चल रहा है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं किचन में और अरे वाह, मैं आपको दिखाऊं तो बाहर मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि बारिश शुरू हो गई है। चलो मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। देखिए बाहर हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और काफ़ी प्यारा सा मौसम हो चुका है। अच्छा चलो अब खिड़की को बंद कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से ना बिल्ली आ जाती है अक्सर, तो मैं इसे बंद ही रखती हूँ। तो चलो आगे हम किचन में और आज बनाने वाले हम सिर्फ 2 मिनट में बनने वाला 2 तरह का लंच। तो यहाँ मैंने 2 बर्तन चढ़ा लिए हैं और तैयारी करने वाली हूँ लंच की। तो ये देखिए, ये बनने जा रहा है 2 मिनट मैगी नूडल्स और दूसरा बनने जा रहा है ये मसाला ओट। तो ये जो मसाला ओट है ये भी हमारा 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और ये मैगी भी 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। बापरे, बारिश तेज हो गई। मैं आपको फिर से विंडो खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, अभी तो मैं किचन में यहीं पर ही हूँ तो मैं विंडो खुली ही रखती हूँ। तो चलो मैं आपको बाहर से बारिश ही दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा सा सुहावना सा मौसम हो रहा है। रात को भी हुई थी, काफ़ी बारिश हुई है। बारिश देख ली है, चलो अब चलते हैं फटाफट से किचन की तरफ। बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है इस टाइम पे, बहुत ही काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और बारिश में ना मैगी खाने का तो कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो हम 2 मिनट में बनाने वाले हैं 2 तरह के लंच। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। मैगी बना रही हूँ ना, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मिर्ची और यहाँ पर मैंने साथ में ही ये रख दिया है पानी उसके लिए, मसाला ओट्स के लिए। यहाँ मैंने 3 मिर्ची डाल दी हैं और पानी उबलना शुरू हो गया है मैगी वाला। तो यहाँ पर मैगी का पैकेट डाल देते हैं। मुझे ज़्यादा गीली वाली मैगी पसंद नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर हमने मैगी जो है वो कम पानी मतलब लिया है जितना पानी की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो ये पानी ये भी उबलने शुरू हो गया है ओट्स के लिए, तो यहाँ पर मैं मसाला ओट्स डाल देती हूँ। और मसाला ओट्स को हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। देखिए ये हमारी मैगी बन गई है, तो आप सब भी खा लीजिए। और यहाँ पर हमारा मसाला ओट भी बन गया है। चलिए चलते हैं अब हम अपना लंच करने के लिए। मणिमहेश, शायद ही कोई भोले बाबा का संबंध होगा जो मणिमहेश के बारे में नहीं जानता। जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहां से लेकर मणिमहेश तक ये पूरा ट्रैक किसी नाले के साथ साथ चलता है। हमारा लंच हो चुका है और अब मुझे करनी है आपसे कुछ बातें। आज थोड़ी सी बारिश भी हुई और पर फिर भी ना बारिश होने की वजह से मौसम हल्का सा तो फर्क पड़ा पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो गर्मी तो फिर भी उतनी की उतनी है। ठीक है, गर्मी का महीना चल रहा है, गर्मी तो होगी होगी। और अच्छा, मेरी आंखों के नीचे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ये अंडर आई पफी आई लग रही है। एक्चुअली मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, अगर मेरी नींद पूरी ना हो ना तो इस तरीके से हो जाता है।
रात को दिन में मुझे टाइम नहीं लगा और रात को मैं 2 बजे तक एडिटिंग करती रही थी। और इस तरह से देखिए, और इसी के लिए मैंने ये मामाअर्थ की ये अंडर आई क्रीम मंगवाई है, पर ये क्रीम मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी है। और ये विटामिन सी की क्रीम है, इसकी जो क्वांटिटी है ना क्रीम की, मैं आपको बताऊं, ये ऊपर का जो सिस्टम है ये तो सारा का सारा बैटरी ऑपरेटेड है, जो क्रीम है वो सिर्फ इतने से एरिया में है, ये 30 ml क्रीम है और बाकी सारा ये बैटरी ऑपरेटेड है ऊपर का। और यहाँ से इस तरीके से ये वाइब्रेट होता है, यानी कि पहले हम क्रीम को इस तरीके से लगाएंगे, ये आँख के ऊपर हल्का सा ऐसे प्रेस करते हुए क्रीम को लगा लेंगे, तो ये देखिए हल्का सा जेल जैसा निकला है। उसके बाद इसको मैं इस तरीके से मसाज करूँगी, तो मेरी जो ऊपर से आँख है ना वो भी थोड़ी सी काली काली है, कैमरे में तो नहीं दिख रही है बट एक्चुअल में ये ऊपर से भी काली सी हो रही है थोड़ी सी। तो मैं ऐसे करके घुमा करके दोनों तरफ ही कर लेती हूँ और अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अच्छी सी मसाज हो रही है, अच्छा एक मसाजर की तरह काम कर रहा है ये। पर मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा है ये, इतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए, कम से कम इसका रेट होना चाहिए 500 या 600 के आसपास, जो मेरा मानना है। और ये देखिए इस तरीके से ये हल्की सी वाइब्रेट हो रही है तो मसाज कर रहा है, मुझे आराम भी काफ़ी मिल रहा है, तो इस तरीके से ये काम करता है। और अच्छा एक बात और कहनी थी मुझे आपसे, जैसे होता है ना कि हम फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे वीडियोस जब देखते हैं ना, तो बीच बीच में आपने देखा होगा कई तरीके के ऐड भी आते हैं, और ये जो ऐड आते हैं ये मतलब कभी कपड़ों के हो गए, कभी किचन के सामान के हो गए, कभी अंडर गारमेंट्स के हो गए। तो ऐसे ही मैंने एक ऐड देखा था, मैं आपको यहाँ फोटो लगा दूंगी, तो वो जो था वो अंडर गारमेंट्स का था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जनरली मैं ना सेंट्रल मार्केट से लेती हूँ, दिल्ली सेंट्रल मार्केट जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो कम से कम 400 450 ऐसे समथिंग मिल जाते हैं। तो मुझे लगा कि 450 400 का मैं एक लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो 1000 पे मुझे 3 या 4 मिल रहे और साथ में फुल सेट मिल रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने मंगवाया। पर मैं आपको सीरियसली बताऊं, कभी भी आपको बिना सर्टिफाइड जो एप्स होती हैं उनसे आपको चीज़ें नहीं मंगवानी चाहिए, जैसे कि आपको कहीं पर भी दिख रहा है, अगर आप जब तक फुली सेटिस्फाइड नहीं हो कि ये जो ऐप है वो जनरली मतलब सही है, तभी आप उससे प्रोडक्ट मंगवाइएगा, अदरवाइज आप विश्वास नहीं करिएगा। मैं आपको बताती हूँ इतना बड़ा धोखा हुआ है, मुझे दिखाया कुछ और मिला कुछ, बिल्कुल कूड़ा मिला है मुझे, बिल्कुल कूड़ा प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, जिसको कि हम लोग पता नहीं क्या ये सेकेंड हैंड कपड़ों से बनाया है कि क्या बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब कि बिल्कुल देख करके ही अजीब लग रहा है, एक तो साइजेस पता नहीं क्या भेजे हुए हैं और क्या सामान भेजा हुआ है, देख रहे हो, देख रहे हो जो वो घटिया सी, मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे, घटिया सी क्वालिटी में हम मुझे ये भेज दिया है और बिल्कुल भी उस ना साइज है ना कुछ है, देखो क्या भेजा है, एकदम क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो पता है ऐसे ना पता नहीं दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं, देखो क्या, देखना कैसे कैसे प्रोडक्ट, कैसे कैसे लोगों ना बेवकूफ़ बनाने के तरीके, देखो कितना घटिया प्रोडक्ट, तो एकदम ना क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती मैं कि लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि इस तरीके के ये पैसे 1000 ले लिए, 1000 रुपये के मुझे ये दे रहे कूड़ा, जो 10 10 रुपये में आपको मतलब 10 रुपये में भी ना कोई खरीदे, ये कूड़ा 1000 रुपये में मुझे मिला है, और दिखाया कुछ हो ऐप में कुछ और दिखाया, तो प्लीज़ आप लोग मेरी तरह बेवकूफ़ ना बनिए, पैसा हम बहुत मेहनत से कमाते हैं, मुझे बहुत दुख हुआ था और इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो आप लोग सावधान रहें। और कभी भी जब आपको पता चले कि सर्टिफाइड जो शॉपिंग ऐप है तो वहीं से मंगवाएं, अदरवाइज आप लोग मत मंगवाएं। तो चलो एनीवे, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करने पर यकीन करती हूँ, तो कभी भी कोई अच्छी चीज़ दिखे तो मैं मंगवा ही लेती हूँ, तो यही है कि बस ऐसे चक्कर में ना पड़े। और बस वीडियो को लाइक करते रहिए, करिए अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, आप सब अपना प्यार और सपोर्ट जब तक नहीं दोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा, और मुझे कमेंट करके भी बताया करो कि भाई कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग, क्या पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, या आप लोग मुझे डिप्रेशन में ही करके छोड़ोगे। तो चलो डेस एनीवे, वो तो बात मजाक था एक,
और इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।